बढ़ गए, बचेंगे तुम्हारे। हाँ सर प्रिया ने मिला, देवता नहीं मिला, देवांश दक्षिण आपने भी नहीं भेजे, ध्रुव ने भी नहीं भेजे, कलेक्शन नहीं कर, आपके मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं सर बढ़ेंगे, मैंने लिख दिया है पर भेजना बाकी तो फिर मार्क्स आपके रह गए ना। हो गया है सर। तो मैंने भी लिख दिया है पर भेजना बाकी है अच्छा मैंने आज सर सिंपल अभी भेजू। इक्वेशन के वर्कशीट भेजी, आपने देखी आपके मोबाइल पर हाँ सबके सर। हाँ सर सर पास मैंने थोड़ी सॉल्व की सिंपल सर। कौन सी सर सिंपल इक्वेशन वो वर्कशीट मैंने क्या ना भेजी अबेला मैं तुम लोग सर आपके पास पर। वो वेदांत लक्ष्मी है सर। मुझे नहीं पता मम्मी ऑफिस में है ना इसलिए मैं घर पे हूँ। फिर तुम कैसे करोगे प्रैक्टिस? सर मम्मी आएगी ना ऑफिस से शाम को तो कब करोगे सर मेरे को भी नहीं मिली। मेरी भी मम्मी हॉस्पिटल में। इसके वेदांत की भी नहीं है, वेदांत की भी नहीं है। हाँ ओहो चलो हाँ मैं फिर तुम्हारे लिए बोर्ड पर क्वेश्चन लिखूंगा, बाकी लोग अपने पास रखा करना, जब भी वर्कशीट आती है। मैंने थोड़ा सॉल्व किया है। अच्छा नहीं अभी सामने सामने करेंगे हम लोग। चलो आप लोग मैंने कॉन्स्टेंट जो क्वेश्चन कराए थे उसी के ऊपर क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, ध्यान से देखना सिंपल इक्वेशन है। x माइनस 1/3 इज 2/3, आपको x का वैल्यू चाहिए, दिख रहा हम लोग को x माइनस 1/3, हाँ सर ठीक है दिख रहा है? अब x की वैल्यू तुम्हें चाहिए। हाँ तो x की वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू माइनस होगा राइट जाएगा प्लस 1/3, सर बोर्ड क्लियर नहीं है सर। देखो क्लियर नहीं है। अच्छा बोर्ड क्लियर है। क्लियर है सर। है क्लियर। एकदम बहुत जोरदार हाँ अभी आया सर। क्लियर आ गया। अब देखो अब यहां पर माइनस वाला राइट में जाके प्लस हो जाएगा और आपका वैल्यू आ जाएगा, देखो एलसीएम सेम है डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दो, 2 + 1 x अपॉन x इज 1, तो x का आंसर 1 है, 3 को 3 से डिवाइड किया। क्लियर हो गया हाँ सर। आप हाँ सर। लोगों? हाँ क्वेश्चन है 1 to 12 क्वेश्चन दिए हैं, जिसका वर्कशीट में चालू कर दो और जिसके बाद वर्कशीट में यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ सॉल्व करेंगे, ठीक ओके। है? हाँ सर। -3 = -5। सेकंड क्वेश्चन -7 = -2 x + 4 = -2 x + 4 = -1 48। फिफ्थ क्वेश्चन x + 7 = 5। सिक्स क्वेश्चन 2/3 x = 18। पहले आप लोग सिक्स क्वेश्चन करेंगे और उनके आंसर्स बगल में दिए हुए हैं, x = -2 ये राइट हैंड साइड में जिसके पास है उनको आंसर्स भी लिखें, x = 5 फिर दिया है, x = -6 x = 576 x = -2 और x = 27। आप जरा आंसर्स देखो आपके आंसर मैच हो रहे हैं, सिक्स क्वेश्चन फटाफट करके लिख। हाँ सर मेरे मैथ है सर। सिक्स तक मेरे पूरे सिक्स तक अटेम्प्ट करना।
तो मुझे सिक्स का डाउट है। बोलो, पहले पूरा कर लो फिर बता दे। सारे हो गए? हाँ सर, मेरे हो गए। अभी बता दो। सर मेरे भी सब हो गए, सब ही आई। चेक करो बेटा आपके आंसर में। सर मेरा एक बाकी। देखो थ्री को क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, और टू मल्टीप्लाई तो नीचे जगह डिवाइड हो जाए। सर आपका वीडियो अटक रहा है। हाँ सर, वॉइस नहीं आ रही। x equal to 18 into 3 dividing by 2, 3 multiply और 2 divide हो जाएगा आपका। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही सर, चिपक चिपक के आ रही है। देखो सर, और आपकी वीडियो भी चिपक। हाँ सर, चेक कर लो एक बार। लैगिंग हो रहा है सर। अब देखो आ रहा है, क्लियर आ रहा है? देखो हाँ सर, अब अच्छा आ रहा है। हाँ सर, अच्छा दूर था इसलिए नेट चिपक रहा हो। अभी क्लियर है ना आपको? ध्रुव क्लियर आ रहा है बेटा? हेलो ध्रुव, प्रिया क्लियर आ रहा है? कौन सा नहीं? क्वेश्चन सिक्स। हाँ सर, एक बार क्वेश्चन सिक्स करवा दो। सिक्स क्वेश्चन देखो। x इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 18 इनटू 3 और 2x इक्वल टू 54 और x का वैल्यू चाहिए तो 2 इनटू नीचे जाके डिवाइड 54 बाय 2 तो x इज इक्वल टू 27। x का आंसर 27। ये मल्टीप्लाई होगा नीचे वाला ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, ऊपर वाला नीचे जाकर डिवाइड होगा। यस सर। अगेन चलो नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन चालू कर दो, बाकी लोग मैं बाकी और जिसके पास नहीं उसको मैं सिक्स क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं। x minus 3 is 5, x plus 9 is 30, 9th question, 3x equal to 0, 10th question, x minus 3 by 5 equal to 7 by 5, 11th question, x minus 1 by 3 is 12th question, x plus 1 by 2 is 7 by 2. इसके answers हैं 7th का answer 8, x equal to 8, x equal to 4, x equal to 0, 0, x equal to 1 and x equal to 3. क्या चेक कर रहा हूँ? ऑल करके देखना, ओनली मत करना, फाइनल आंसर देखना। सर 12th का एक बार समझाओ ना। कौन सा क्वेश्चन बेटा? दूसरे सब आए थे, सिर्फ 12th वाला नहीं आता। सर मुझे भी 12th और 10 नहीं आ रहा। देखो 12 वाले में प्लस हाफ राइट में जाएगा तो माइनस हाफ होगा। 7 माइनस 1 6, 6 बाय 2 क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर। एक बार कर लो फिर जिस इसके डाउट है एक साथ बता रहा हूं। पहले आप लोग सबको बता दो, फाइनल में बता रहा हूं। ओके सर। सर सब आई थे सिवाय वो 12th वाला आपने समझाया ना, वो नहीं था। अब हो गया वो भी। सर मुझे डाउट है 10 वाला आ गया। सर आ गया 12th वाला।
हाँ प्रिया कौन सा डाउट आया तुम्हें? सर मुझे नाइन्थ वाला एक बार बता दो ना कैसे आया जीरो। बता दो नाइन्थ वाला बता दो। देखो ये 3 × x जीरो है तो x को चाहिए तो 3 नीचे जाकर डिवाइड होगा 0/3 हो जाएगा और 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। नाइन्थ वाले क्वेश्चन नंबर 12 x इज इक्वल टू 7/2 - 1/2 और देखो डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो 7 - 1 = 6/2 तो x इज इक्वल टू 3 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स आ रहा है तो ये आपका आंसर हो गया। 12th आ गया सभी को? हां सर। हां सर। यस सर। और कोई क्वेश्चन है? सर 10th नहीं सर। 10th वाले में देखो माइनस यहां भाई सर 10th वाला इजी था। देखो 10th क्वेश्चन आ गया सर। x is equal to 7/5 + 3/5 माइनस है राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस है तो माइनस हां क्या x is equal to 3/5 7 + 3 = 10 10/5 and upon 5 2 देखो 10 2 टाइम तो x का आंसर हो जाएगा। देखो आ गया सर। हाँ सर। हाँ सर। अब ध्यान से देखना मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ कोई भी प्रॉब्लम उसी से पूछना कि उसके बाद तुम्हें मैं क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। देखो इसको नंबर 13 14 15 16 में समझा रहा हूँ पहले 13 क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 3x + 2 = 11 इसका मतलब है 3 × x किया फिर प्लस 2 क्या है इक्वल टू 11। आपको ये सोचना x में क्या पुट करेंगे जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 2 11 आता है तो सबसे पहले करेंगे 2 को राइट में करेंगे 2 को माइनस करेंगे सर x को माइनस करेंगे और यहां रखेंगे dx के प्लस 2 को राइट में ले जाएंगे तो 11 माइनस 2 आ जाएगा फिर आ जाएगा 3x = 9 अब x का वैल्यू चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो 3 को नीचे ले जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 3 3 तो x का आंसर 3 आ गया। देखो चेक करना तो चेक नहीं कर सकते 3 3 इज 9 9 प्लस 2 11 आ गया पूरा तो x का वैल्यू का राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन 2x - 1/2 = 3 x 3 माइनस यहाँ जाएगा प्लस हाफ माइनस राइट में जाएगा प्लस हो जाएगा x वाला टर्म पूरा छोड़ देना है x साइड माइनस हाफ हो जाएगा प्लस। अब आप जब भी डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग हैं तो हम एलसीएम लेंगे 1 और 2 का एलसीएम 2 ये 1 और ये 2 1 और 2 का एलसीएम 2 एलसीएम 2 अब यहाँ 1 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है 2 2 से ही 2 ऊपर भी 2 से ही 2 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स तो इनटू 1 देखो 6 + 1 = 1 लास्ट टाइम तुमने फ्रैक्शनल एडिशन किया था वही सेम रूल आ रहा है तो 6 में क्या था 2x = 6 + 1 = 7 7/2 अब आपको पता है ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x इज 7/5 ये 2 नीचे चला जाएगा और ये नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 × 2 = 4 तो x का आंसर 7/4 सर। हां मुझे वो आपने जब 2x निकाला ना वो नहीं समझ आया मतलब x निकाला जब देखो फिर से 2x - 1/2 मुझे भी हाफ उधर जाएगा तो प्लस मुझे भी नहीं आया देखो प्लस हाफ हो जाएगा तो यहाँ लिखा 3 + 1/2 अब आपको होता है 1 और 2 का एलसीएम 2 2 के और कितने लेते हैं 2 का तो 3 को भी 2 टाइम 2 के लिए 2 1 टाइम्स 1 3 2 जा 6 1 1 जा 1 तो 6 प्लस 1 7 7 अपॉन 2 आ गया। अब x का वैल्यू 2 नीचे जाएगा नीचे से आधे से मल्टीप्लाई हो जाएगा
सेवन टू इंटू टू ये वाला टू जो यहाँ था वो नीचे आ गया टू टू सा फोर तो सेवन बाय फोर इसका आंसर है। समझ आया? हाँ सर पक्का। ए राधी अभी नहीं करना, अभी नहीं करना है, जब तक मैं नहीं बोलू तब तक नहीं करना है, पहले ध्यान से सुनो राधी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको ये दिया है, ध्यान से देखना, थ्री ब्रैकेट एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू 21। इसका मतलब है ये जो थ्री है वो x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है सिक्स से भी, तो पहले थ्री को x से मल्टीप्लाई किया 3x, फिर थ्री को सिक्स से मल्टीप्लाई किया 18। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें क्या होता है 3x से मल्टीप्लाई 3x फिर प्लस 3 6 18 इक्वल टू 21। क्लियर हुआ? यस सर। वाली मेथड की अब आपको पता 3x यहां छोड़ा 18 को राइट में लेंगे तो प्लस 18 राइट में जाएगा क्या होगा माइनस 18 21 में से 18 माइनस तो 3 इक्वल टू 21 में से 18 माइनस 3 ये इनटू और नीचे जाएगा डिवाइड 3 अपॉन 3 बाकी को मैं लिख के दे रहा हूँ और जिसके पास नहीं है वो सेवन जिसके पास नहीं मैं लिख के दे रहा हूँ, बाकी लोग 17 से 21 तक सॉल्व करो फटाफट। 17 क्वेश्चन टू 21 मैं यार रफ कर रहा हूं। फिर माधव तने नाम बदलो इन सबके आंसर्स निकालने हैं और आंसर मैंने पीछे लिखे हुए हैं जिसके पास है और जिसके पास है मैं आंसर लिख के दे देता हूं। वाइट आंसर 4 सही हो गया। देखो चेक करो मेरा फटाफट नहीं कोई आंसर भी चेक करो मैच हो रहा है कि नहीं। वाई इक्वल टू माइनस 3 साइन का गड़बड़ हुआ पूरा रॉन्ग हो जाएगा। X का आंसर 1/5, Y का आंसर 1/12 और X का आंसर 220/7 आपके आंसर्स हैं। सर सब सही है। देख लो बेटा कहीं राउंड ना हो मैडम मार्क्स काट रहे हैं। साइन का ध्यान दो। आपने जो आंसर ही दिए वो सब सही है। सब सही है मैंने दे दिया। माइनस वाई कितना है ध्यान दो। मुझे 18 समझ में नहीं आ रहा। 18 क्वेश्चन है 7। हाँ सर 18 का। वाई इक्वल टू माइनस 5। 7 + 4 वाई इक्वल टू माइनस 5। पहले पूरे पांचों कर लो और जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके सर। तब लो अपने अपने तरफ से 100% देखो। दक्षेश आपको आ रहा है बेटा? हाँ सर। राधी 2 मिनट रुको बेटा, अभी 2 मिनट में सबको साथ में बताएंगे तब आपका डाउट बताएंगे। 21 तक ही करना है, 21 के ऊपर नहीं जाना। 220/7 220/7 x आंसर।
सर मुझे एक डाउट है। पूरा करो फिर एक साथ आओ बेटा, अभी रुक जाओ दो मिनट बस। हाँ सर पूरा कर लिया है, एक डाउट है बेटा सबको होता है फिर बता। क्या हो गया सर तब क्या हो गया? आंसर्स भी सब सही है। टाइम देना जरूरी है कि किसको नहीं आ रहा मेरे को बताना पड़ेगा फटाफट करने से अच्छा। हाँ सर यस। अर्णव कितने हुए आपके? अर्णव अभी हो गए। मैथड से किया ओरल किया? सर मैथड से किया। Here is one for you। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। हाँ प्रिया बताओ शुरू में 17 क्वेश्चन सर लास्ट। अच्छा कर लो लास्ट सर लास्ट में है, लास्ट में डाउट है लास्ट वाले में। ठीक है बताओ पहले बताओ 17 किसका डाउट है? किसी का नहीं। 18 सर हाँ मेरा। अच्छा 18 है प्रिया का। देखो नहीं सर हाँ। मेरा नहीं है कोई बात। 7 + 4y = -5 पहले y वाला यही जाने दो 4y = -5 7 राइट में जाएगा -7 सर मेरे में नेट इश्यूज है थोड़ा मैं लीव करके वापस आऊं। हाँ ठीक है। अब देखो जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगता है तो माइनस साइन बड़ा है और माइनस माइनस आपको पता है इंटीजर में प्लस हो जाता है फर्स्ट चैप्टर में किया है तो -7 - -12 अब वाई का आंसर 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये और 4 के टेबल में 12 कितने टाइम आता 3 टाइम तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 4 3 = 12 तो वाई का आंसर -3 आ रहा। किसका डाउट था ये क्लियर हो गया उसको? यस सर। पक्का ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 किसका डाउट है? ठीक है। 20 किसका डाउट है? सर मेरा। चलो 20 वाला बता दो। ट्वेंटी में दिया है 2y = -1/3 और ये माइनस राइट में जाकर पहले प्लस हो जाएगा +1/2 -1/2 राइट में जाएगा +1/2 यहाँ आ गया 2y। अब देखो 3 और 2 डिफरेंट नंबर है तो इनका एलसीएम लो एलसीएम इसका 6 आया। अब 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स 2 3 जा 6 2 1 जा 2 माइनस 2 प्लस 3 1 जा 3 तो ये आया। ये समझ में आया स्टेप आपको पहले 3 और 2? यस सर। यस सर। हां सर तो सभी को 3 से मल्टीप्लाई 2y = बड़ा नंबर प्लस का है प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किया 1/6 2 और 3 को ऐड मत कर देना प्लस माइनस माइनस हो गया 3 में से 2 को माइनस किया 1। अब देखो 2 इससे इनटू हो रहा है तो नीचे जाएगा डिवाइड तो y is 1/6 × 2 तो y = 1/12 आंसर आया 1/12 आप लोगों का? यस सर। मैथड यस सर जिसको अभी नहीं आया फिर से समझा देता हूँ देख लो। सर मेरा नेट का प्रॉब्लम था इसलिए मैं रीजॉइन हुआ था इसलिए। ठीक है फिर से देख लो 20th पर 2y माइनस आपको राइट में लगे प्लस हाफ हो गया फिर 3 और 2 का एलसीएम 6 आया तो 3 2 जा 2 से ऊपर नीचे इनटू ये 2 3 जा तो 3 से इनटू किया 2 1 जा 2 3 1 जा 3 और आपकी वो जो नंबर बड़ा उसका साइन वॉइस में आ रही आ रही है चिपक चिपक के आ रही है चिपक चिपक के आ रही है।
तभी वो चिपक चिपक के आ रही है। हाँ सर आपका सर अभी आप क्लियर आई कि नहीं आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 क्वेश्चन किसका डाउट है? मेरा। चलो अब देखो 21 क्वेश्चन। पहले आपके पास नंबर 14 इक्वल टू 7/10 एक्स माइनस 8। आपको क्या करना है, माइनस 8 को राइट में लेकर आ जाना है। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 8 प्लस 7/10। ये हो गया आपका 22 7/10x। अब 10 को ऊपर देखो डिवाइड है, दो बन जाएगा मल्टीप्लाई 22 10 = 7x 220 = 7x और x चाहिए तो कभी मल्टीप्लाई है नीचे चला जाएगा तो 220/7 ये x का आंसर आ जाएगा। बच्चों आया समझ में? यस सर। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 22 से 31 तक करने रेडी? ओके सर। यस सर। मैं 22 से 25 तक पहले 22 से 25 तक लिखना और सिर्फ चार क्वेश्चन अभी ट्राई करना 22 से 25। बच्चों को बाद में रिमेनिंग होमवर्क में रहेगा। 22 23 24 25 तक करने क्वेश्चन नंबर 22। एक्स प्लस 2 = 15 एक्स बाय 4 = 7/8 1/3 - 2x = 0 3 x + 6 = 24 आपको और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और इसके आंसर्स भी मैं लिख देता हूँ। 22 का आंसर है सर हो गया। बेटा जल्दी इतना फास्ट मत करो, नहीं तो रॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप स्टेप्स नहीं करो बेटा नहीं तो फंस जाओगे। 25 का आंसर है 2। ये देख लो सारे फटाफट, इसमें कम से कम एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 मिनट लगना चाहिए। हो गया पक्का, देख लो सब लोग चेक करो आंसर, देखो कौन से मैच नहीं कर रहे हैं। सर डाउट है, जो भी डाउट है हमें बताना, एक साथ पूरे कर लो पूरा। हेलो हाँ बोलो सर का बोलो।
मैसेज मैसेज चलो ये देखो ना सर तू अभी ची आया कौन सा क्वेश्चन बेटा देव नहीं आया तुम्हें किसका आंसर मैच नहीं हो रहा अभी दोनों सब आए कौन सा आंसर मैच नहीं हो रही है चार आंसर नीचे लिखे हैं ये आपके चार मैच हुए तुम्हारा कौन सा मैच डाउट आ रहा है ध्रुव मुझे 24 नहीं आ रहा 24 नहीं आ रहा और चलो 24 बता देते हैं देखो 24 क्वेश्चन में 1/3 - 2x = 0 माइनस 2x आपने यहां रखा 1/3 को राइट में शिफ्ट किया तो -1/3 प्लस यहां जाके माइनस हो जाएगा प्लस 1/3 यहां जाके -1/3 तो आपका आंसर आया -2x = 0 में से कुछ भी माइनस करो नंबर वही रहता है आपको पता है जीरो में कुछ भी प्लस करो सेम नंबर आते हैं जीरो से हम -1/3 माइनस करेंगे तो -1/3 ही आएगा इसका x का वैल्यू चाहिए कि ये इनटू हो रहा है नीचे जाके डिवाइड -1/3 - -2 नीचे आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस कट हो जाएंगे यहाँ आ जाएगा 3 × 2 = 6 ये जो माइनस माइनस कट हो जाएंगे और यहाँ आपका आ जाएगा 3 × 2 = 6 तो x का आंसर 1/6 24 आया समझ में 23 नहीं आया yes, 23 चलो 23 x/4 = 7/8 अब आपको पता है x का वैल्यू चाहिए थी जो 4 है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई क्योंकि डिवाइड है तो 7/4 × 7/8 × देखो 4 के टेबल में 8 कट होता तो 4 बन जाए 4 × 4 = 8 आप काट भी सकते हो या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 4 × 4 = 4 × 2 = 8 7/2 आंसर आ गया इसका जो मैंने लिखा था 23 और कौन सा नहीं आया बच्चों और कौन सा 22 लो 22 में बता देते हैं पहले 3 को पहले आप 3 से 3x + 2 = 15 पहले 3 को x से इंटू किया 3x 3 को 2 से इंटू किया 6 = 15 3 से दोनों को क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है दोनों से इंटू तो 3x = 15 - 6 = 9 अब x का वैल्यू चाहिए तो 9/3 x का आंसर 3 राधि समझ में आया ठीक है आ गया 25th हो गया किसी का हाँ सर हो गया चलो x का आंसर 2 आ रहा है 25 में यस यस सर यस सर चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ फिर उसके बाद मैं आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा क्या समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को राधी बेटा कोई प्रॉब्लम आ रही है चलो ठीक है अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि अब दो दो एक से एक साथ आएंगे तुम्हारे इसमें गलती बहुत होने वाली है अगर आपने जरा सा भी मिस्टेक का जरा सा भी ध्यान जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 16 करा रहा हूं ब्रैकेट में 16 × 3x - 5 - 10 × 4x - 8 = 40 दिया है अब देखो ये आपके दो दो x हैं कैसे करना है सबसे पहले 16 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 16 × 3 = 48x 16 × 5 = 80 −4 × 10 = 40x −−+ −+
टेन एट जा 80 आपका आ गया। अब देखो 48x और 40x क्योंकि दोनों x x हैं तो 48 में से 40 माइनस किया क्योंकि x को x के साथ 48 x में से 40x माइनस किया माइनस 80 प्लस 80 जिसमें x ने उसको अलग रखा 40 48 में से 40 माइनस किया 8x माइनस 80 प्लस 80 कट हो जाते हैं 0 इक्वल टू 40 और x का वैल्यू चाहिए 8 इनटू और नीचे जाकर डिवाइड 80 40 अपॉन 8 5 आंसर आ गया। ये रहा आपका मेथड, समझ आया बच्चों आपको? यस सर। जिसको नहीं आया रेज योर हैंड, ध्रुव को नहीं आया, ध्रुव देखो पहले 16 को 3 से इनटू करो। सर वो पहले से था सर, वो मैंने पहले गलती से दबा दिया था। अब आ गया ध्रुव समझ में? हाँ सर, किसी और एक को नहीं आया सर, यादी को नहीं आया, यादी को। यादी आपको नहीं आया? राधी को आया कि नहीं आया? चलो सिर्फ अभी हमारे पास एक मिनट है, एक मिनट में मैं एक क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन करना है और रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 दो मिनट है चलो तो दो क्वेश्चन करके देखो। 26 3x plus 2 minus 2 x minus 1 is 7 27 8 2x minus 5 minus 6 3x minus 7 is 1 26 ka answer hai minus 1 aur 27 ka answer hai x ka answer hai 1 by 2 देखो किसके आंसर दोनों मैच होते हैं फटाफट। फर्स्ट हो गया, देखो आंसर माइनस वन आ रहा है आपका बेटा, चेक कर लो। यस सर। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे, हर बार टेस्ट में आते हैं, स्कूल के रचना में जरा गलत मत करना बेटा, पूरा आपके मार्क्स चले जाएंगे। नहीं आया कोई बात, मैं समझाऊंगा अच्छे ढंग से, लेकिन रॉन्ग मत करना बेटा कोई भी। चलो कोई बात नहीं, टाइम इज ओवर। सेकंड भी हो गया सर, सेकंड भी हो गया। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट टाइम 31 तक आप लोग ट्राई करके रखना और इतना और जो डाउट है निकाल के रखना और टेक्स्ट बुक से 4.1 कंप्लीट करना है बस। बाय बच्चों, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, इसका 31 तक पूरा कंप्लीट करना है। ओके फर्स्ट एग्जाम, बाय बेटा, बाय। ओके सर, बाय।